हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये देखेंगे किस तरह हम एक TCP सर्वर बना सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो जैसे इस वीडियो में आपको TCP सर्वर बना के दिखाऊंगा और अगली वीडियो में आपको TCP क्लाइंट बना के दिखाऊंगा। तो मैं आपको बेसिक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का इस वीडियो में बता देता हूँ, ताकि आपको कोडिंग के टाइम पर जब हम कोड करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो। तो एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बेसिकली होता क्या है, तो एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन एक बेसिक मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसमें कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस से क्लाइंट को रिप्लाई भेजता है। तो जहाँ कुछ जो बेसिक एग्जांपल है जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ दे रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले है आपका फाइल ट्रांसफ़र। तो फाइल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो एक नेम सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर उस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक फ़ाइल वापस से क्लाइंट को भेजता है। और दूसरा जो कि बहुत फेमस है, वेब पेजेस। तो वेब पेजेस में क्या होता है, एक URL भेजता है क्लाइंट सर्वर को, और सर्वर उस URL के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेब पेज है वो वापस क्लाइंट को शो करता है। तो जैसे आप अपने ब्राउज़र में कोई आप एड्रेस टाइप करते हैं, तो आपका ब्राउज़र एज अ क्लाइंट काम करता है, और वो सर्वर को वो वेब पेज जो आपने टाइप किया है उसका URL भेजता है, और उस URL के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेब पेज होता है वो वापस से सर्वर आपके ब्राउज़र को भेजता है, फिर वो ब्राउज़र आपको वो वेब पेज शो करता है। और तीसरा है इको। तो इको में बेसिकली सिंपल क्लाइंट मैसेज सेंड करता है और सेम मैसेज वापस सर्वर से रिप्लाई करता है। तो जो TCP क्लाइंट सर्वर है उसे अच्छे से आप समझ सके, इसको समझने के लिए आप टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो टेलीफोन नेटवर्क में कैसे होता है, तो जैसे टेलीफोन नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है उसी टाइप का यहाँ पे कुछ काम होता है। तो टेलीफोन नेटवर्क में सबसे पहले अगर सपोज़ दो लोग हैं, एक दो पर्सन है, एक कॉलर है और एक रिसीवर है। तो अगर कॉलर को रिसीवर से कम्युनिकेट करना है तो किस तरह करेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों के पास टेलीफोन होना चाहिए। फिर टेलीफोन के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो जब कॉलर रिसीवर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो कॉलर एक नंबर डायल करेगा। तो जो टेलीफोन नंबर है, जो टेलीफोन है उसके साथ एक यूनिक टेलीफोन नंबर एसोसिएटेड होना चाहिए, जिसे कि कॉलर डायल करे और वो उसी रिसीवर को जिससे उसे बात करनी है उसके पास जाए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो टेलीफोन है वो लिसन करेगा, वेट करेगा कि कोई कॉलर उससे कनेक्ट करे। और उसके बाद क्या होगा, जब कॉलर उसे कॉल करेगा और जब टेलीफोन रिंग करेगा तो जो रिसीवर है वो कॉल को एक्सेप्ट करेगा, और फिर जब कनेक्शन बन जाएगा रिसीवर के एक्सेप्ट करने के बाद, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, थॉट्स इंटरचेंज होंगे, और फिर उसके बाद जब कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में दोनों फ़ोन अपना हैंग कर देंगे। तो TCP सर्वर में भी कुछ इसी तरह होता है। सबसे पहले हम एक सॉकेट क्रिएट करते हैं। तो सॉकेट को आप अपना टेलीफोन की तरह समझ सकते हैं, और ये एक फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का। ये जो क्रिएट एक फंक्शन है जिसका हम यूज़ करेंगे सॉकेट बनाने के लिए, और ये एक फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है। और उसके बाद बाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं हम एक एड्रेस को अपने सॉकेट से बाइंड करने के लिए। तो जैसे वहाँ पर टेलीफोन के साथ एक यूनिक फ़ोन नंबर एसोसिएटेड था, तो यहाँ पर हम बाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं अपने सॉकेट के साथ एक एड्रेस को बाइंड करने के लिए। और ये एड्रेस बेसिकली IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जैसे वहाँ पे फ़ोन वेट करता है, लिसन करता है कॉलर के कॉल करने का, वैसे यहाँ पे हम अपने सॉकेट को लिसन फंक्शन का यूज़ करके लिसन करेंगे, किसी क्लाइंट के कनेक्शन बनाने का वेट करेंगे यहाँ पे। तो लिसन फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो सॉकेट है उसे वेट करने डालने के लिए, कि वो वेट करे जो क्लाइंट है वो उसके कनेक्शन बनाने का। और उसके बाद जब क्लाइंट कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, फिर हम एक्सेप्ट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे कॉलर जब डायल करेगा नंबर तो वो फ़ोन रिंग होगा, उसके बाद फिर जो रिसीवर है उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट फंक्शन का यूज़ करके जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जब एक बार कनेक्शन बन जाता है तो फिर सेंड और रिसीव फंक्शन का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं, डाटा को इंटरचेंज करते हैं। और फिर जब काम जो जिसके लिए हमने कनेक्शन बनाया था वो कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद फिर वापस से जो सॉकेट है उसे हम क्लोज कर देते हैं। तो टीसीपी सर्वर में ये स्टेप्स होते हैं बनाने के लिए। और टीसीपी क्लाइंट पे क्या होता है, टीसीपी क्लाइंट साइड पे भी हम एक सॉकेट क्रिएट करते हैं, और सॉकेट क्रिएट करने के बाद हम कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं जो सर्वर है हमारा उससे कनेक्ट करने के लिए। और फिर जब वहाँ से सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा, कनेक्शन बन जाएगा, तो यहाँ से हम फिर रिक्वेस्ट सेंड रिसीव कर सकते हैं सेंड रिसीव फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जो रिप्लाई वहाँ से सर्वर भेजेगा उसे हम रिसीव फंक्शन का यूज़ करके रिसीव करेंगे। और फिर फाइनली जब डाटा इंटरचेंज ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में हम क्लोज़ कर देंगे सॉकेट को और हमारा जो कनेक्शन है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट सर्वर का एक डायग्राम दे रखा है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सपोज हमारा सर्वर है, तो सर्वर में पहले हम सॉकेट फंक्शन यूज़ करके सॉकेट क्रिएट करते हैं, फिर बाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को अपने सॉकेट से बाइंड करने के लिए, फिर लिसन फंक्शन का यूज़ करके अपने सर्वर को लिसनिंग मोड पे डालते हैं, फिर एक्सेप्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा कनेक्शन के लिए हम उसे एक्सेप्ट कर सकें। और क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा है, क्लाइंट साइड पे भी सॉकेट क्रिएट होता है, फिर क्लाइंट कनेक्ट फंक्शन को कॉल करता है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि सर्वर एक्सेप्ट फंक्शन का कॉल करके हम वेट करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट फंक्शन के पास यहाँ से जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई है वो आएगी, तो ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद फिर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और जो सर्वर है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस से क्लाइंट को डाटा रिप्लाई भेजेगा। और फिर जब दोनों के काम ख़त्म हो जाएंगे तो दोनों सॉकेट को हम क्लोज़ कर देंगे। तो अभी हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा उसमें वो बता देता हूँ। तो मोस्टली जो प्रोग्राम हम बनाएंगे क्लाइंट सर्वर, उसमें इन डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपका डाटा स्ट्रक्चर है SOC ADDR। तो इसमें सबसे पहला जो मेंबर है वो आप एक तरह से समझ लीजिए कि फिक्स्ड है, हम AF_INET लेंगे। AF_INET आप IPv4 के लिए यूज़ करते हैं, और अपने प्रोग्राम में हम IPv4 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम AF_INET ही लेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए कि ऐसे अंडरस्कोर फैमिली जो है हमारा वो AF_INET होगा। उसके बाद जो दूसरा है, जो कैरेक्टर रह रहे हैं SA_data, इसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन है पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस वो सब आएगा। और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर है SOC ADDR_IN। तो मोस्टली हम अपने प्रोग्राम में जो डाटा फिल करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। और जब फंक्शन को हम पास करना होगा हमें, तो फंक्शन को पास करते समय हम SOC ADDR में कन्वर्ट करके SOC ADDR IN को भी पास करेंगे। SOC ADDR IN में जो डाटा भरा है उसे कन्वर्ट कर देंगे SOC ADDR में, और फिर उसको फंक्शन को पास करेंगे। तो इसमें SYN_FAMILY, जैसे यहाँ पे SA_FAMILY था उसी तरह यहाँ पे ये AF_INET होगा। और उसके बाद SYN_PORT, इसमें हम अपना पोर्ट नंबर स्टोर कराएंगे, और SYN_ADDR, इसमें हम अपना आईपी एड्रेस स्टोर कराएंगे। और ये SYN_0 है, इसकी वैल्यू आठों जो पोजिशन है उस पर ज़ीरो होती है, पैडिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये तीसरा मेंबर फंक्शन है, जो तीसरा मेंबर है हमारा डाटा मेंबर है वो IN_ADDR है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर का जो मेंबर देख सकते हैं आप, इसकी डेफिनेशन कैसी है, बॉडी किस तरह की है। तो यहाँ पे एक मेंबर होता है अनसाइंड लॉन्ग टाइप का S_ADDR। तो अब हम कोडिंग करेंगे, तो हम क्लाइंट सर्वर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आयोस्ट्रीम, और उसके बाद सिस socket.h, और उसके बाद सिस टाइप्स .h, INET स्लैश /in.h, ARPA
स्लैश आईनेट डॉट एच और फाइनली सी स्ट्रिंग और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन फिर अब यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे स्लाइड में मैंने आपको स्टेप्स दिखाए थे, तो सबसे पहले हमें एक सॉकेट क्रिएट करना होता है, उसके बाद हमें सॉकेट को बाइंड करना होता है, विथ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हम एक सॉकेट पहले बनाएंगे, फिर उसे बाइंड करेंगे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर से। फिर उसके बाद जब हमारा सॉकेट बाइंड हो जाएगा तो हम लिसनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट लिसनिंग। उसके बाद फिर हम वेट करेंगे कनेक्शन के लिए। वेट फॉर कनेक्शन। फिर जब एक बार कनेक्शन बन जाएगा तो हमारा जो लिसनिंग सॉकेट है उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर एक वाइल लूप होगा जिसके अंदर हम सेंड और रिसीव करेंगे मैसेजेस को। और लास्ट में हम क्लोज़ कर देंगे सॉकेट को। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इंटीजर बनाना होगा, एक हमारा लिसनिंग सॉकेट होगा और एक हमारा क्लाइंट सॉकेट होगा। मैंने इंटीजर इसलिए लिया कि जो ये सॉकेट फंक्शन होता है सॉकेट बनाने के लिए जिसे यूज़ करते हैं वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जिसे हम लिसनिंग सॉकेट नाम से वेरिएबल बना रहे हैं उसमें स्टोर कराएंगे। तो पहला आर्गुमेंट इसका होता है AF अंडरस्कोर INET। उसके बाद हम एक TCP सर्वर बना रहे हैं तो इसलिए दूसरा आर्गुमेंट हमें पास करना होगा सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम। और तीसरा फ्लैग होता है मैं 0 पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमारा सॉकेट क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो अगर सॉकेट क्रिएट नहीं होता है तो उस केस में ये सॉकेट फंक्शन जो है -1 रिटर्न करता है। तो अगर ये -1 है तो यहाँ पे हम एरर मैसेज शो कर देंगे और यहाँ पे हम मैसेज होगा कांट क्रिएट सॉकेट। और अगर हम सॉकेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहीं से हम रिटर्न 0 कर देंगे। और एक बार हमारा सॉकेट क्रिएट हो जाता है उसके बाद हम उसे बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए हमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर दिखाए थे लास्ट में, उनमें फिल करना होता है। तो सॉक ADDR इन डेटा स्ट्रक्चर में हम वैल्यूज़ को फिल करते हैं, फिर उसको पास करते टाइम हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉक ADDR टाइप में। तो पहले हम एक सॉक ADDR इन जो स्ट्रक्चर है उसके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो एक हमारा सर्वर होगा और दूसरा क्लाइंट होगा। सर्वर में हम डाटा फिल करेंगे और क्लाइंट को फंक्शन में पास करेंगे एज अ रेफरेंस। तो क्लाइंट में वैल्यूज़ फिल करके वो फंक्शन हमें वापस एज अ रेफरेंस पास करें तो यहाँ पे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो सर्वर पहला जो डेटा मेम्बर था सेन अंडरस्कोर फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया था उसका हम AF अंडरस्कोर INET के इक्वल करते हैं क्योंकि हम IPv4 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है सर्वर डॉट सिन अंडरस्कोर पोर्ट
अब पोर्ट हम लोग यहाँ पे 54,000 ले रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली पोर्ट को ऐसे असाइन नहीं कर सकते, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा तो कवर नेटवर्क, ताकि नेटवर्क पे पास कर पाए इसे। तो ये जो एच टॉन फंक्शन मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब होता है होस्ट, एच फोर होस्ट टू नेटवर्क और शॉर्ट। शॉर्ट यहाँ पे वो डेटा टाइप वाला है। तो जैसे हमारे सिस्टम या कंप्यूटर पे जो होस्ट मशीन जो होती है हमारी, उस पर जो स्टोर्ड होता है वो अलग फॉर्मेट में होता है, और जो हमें सर्वर पे और नेट जो नेटवर्क है उस पर भेजना होता है तो वो डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसे नेटवर्क में भेज सकें। उसके बाद जो हमारा आईपी एड्रेस था, तो सर्वर डॉट सिन अंडरस्कोर ADDR। अब हमने देखा था कि ये जो डेटा मेम्बर था वो खुद में एक स्ट्रक्चर था, तो इसलिए एक और डॉट और एस अंडरस्कोर ADDR जो इसका मेम्बर था, डेटा मेम्बर। और यहाँ पे पोर्ट असाइन करने के लिए मैं इन ADDR एनी यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी एक सिंगल होस्ट मशीन है, तो जो आईपी अवेलेबल है उस पर ये इसे असाइन कर देगा। उसके बाद तो लास्ट इसमें था हमारा कैरेक्टर एरे थी, उसे मैं ज़ीरो असाइन करना चाहता हूँ पूरी कैरेक्टर एरे को, तो उसके लिए मैं memset फंक्शन यूज़ करूँगा, एक ही बार में पूरी एरे को ज़ीरो असाइन कर देंगे इसे हम। तो पहला इसमें पास करना होता है जो कैरेक्टर एरे है, तो हमारी कैरेक्टर एरे है सर्वर डॉट सिन अंडरस्कोर ज़ीरो, और साइज़ है इसका 8 और हमें असाइन करनी है वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमने डाटा फिल कर दिया है। उसके बाद अभी हम बाइंड करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ क्रिएट करता हूँ मैं, अनसाइंड लेन, और लेन हमारी इक्वल होगी साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं साइज़ पता करने के लिए, सॉक ADDR इन स्ट्रक्चर जो है इसका। तो हमें लेन फंक्शन ये लेंथ भी पास कर, लेंथ भी पास करनी होती है, साइज़ भी पास करना है इसका। तो मैं लेंथ वेरिएबल में इसका साइज़ स्टोर करा ले रहा हूँ। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है, तो हम बाइंड कर सकते हैं। तो बाइंड को मैं इफ में डालता हूँ, क्योंकि इसे भी मुझे चेक करना होता है, तो इसलिए मैं इफ में डालता हूँ, यहीं पर चेक भी कर लूँगा मैं। तो बाइंड फंक्शन, और इसमें पहला आर्ग्यूमेंट देना पास करना होता है हमें जो हमारा लिसनिंग सॉकेट है वो, और उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमने डाटा फल किया है सॉक ADDR इन में, तो सॉक ADDR इनको हम पास करेंगे, लेकिन इसे हम एज आ कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंटर में, सॉक ADDR टाइप के पॉइंटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर पास करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में पास करना है वो है हमारा जो हमने लेन वेरिएबल बनाया है, जो कि साइज ऑफ साइज़ है सॉक ADDR इंस्ट्रक्चर का वो। और अगर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर ये -1 रिटर्न करता है, मतलब कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, एरर मैसेज कांट लिसन। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारे कोड में प्रॉब्लम हो रही है, फिर वहाँ पे हम उसे डिबग कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे भी दिक्कत आती है तो यहाँ से भी रिटर्न 0। अब हमने बाइंड कर लिया है अपने सॉकेट को, तो हम लिसनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं इफ में डालता हूँ, क्योंकि इसे भी चेक करना होता है। तो लिसन फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट में पास करना होता है लिसनिंग सॉकेट, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इसमें कि हम जो हमारा सर्वर है वो एक टाइम पे कितने क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है। जैसे सपोज सर्वर एक क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहा है, तो अब हम नहीं चाहते कि पीछे से कोई और दूसरा क्लाइंट कनेक्ट करना चाहे तो उसे वो रिफ्यूज़ कर दे। तो हम इसमें एक लिमिट दे सकते हैं कि कितने क्लाइंट वेट कर सकते हैं सर्वर जब तक इंटरेक्ट कर रहा है किसी और क्लाइंट से। तो यहाँ पे सपोज़ मैं 5 दे देता हूँ, तो 5 क्लाइंट्स को हमारा सर्वर एक साथ संभाल सकता है। और ये भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो -1 रिटर्न करेगा, तो अगर ये -1 रिटर्न करता है तो यहाँ पे फिर से मैसेज प्रिंट कर देंगे कांट लिसन। और यहाँ पे हमारा मैसेज लिसन कांट लिसन नहीं कांट बाइंड होगा, क्योंकि हम बाइंड कर रहे हैं इस वाले इफ में, और यहाँ पे हम लिसन कर रहे हैं। और अगर यहाँ दिक्कत आती है तो हम वापस से यहाँ से रिटर्न 0 आगे नहीं जाएंगे, प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देंगे। अब हमने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम वेट करेंगे कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम इफ के अंदर ही चेक भी हो जाएगा और
हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो क्लाइंट सॉकेट बनाया था उसको इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो जो ये एक्सेप्ट फंक्शन है इसका यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर पहला हमें पास करना होता है जो हमारा लिसनिंग सॉकेट है वो, और दूसरा आर्गुमेंट सेम जैसे अभी हमने ऊपर पास किया था, सॉक ADDR पॉइंटर, और कन्वर्ट कर देंगे हम जो सॉक ADDR इन जो हमारा था सर्वर उसे, और यहाँ पे भी सॉक ADDR इन, तो हमारा स्ट्रक्चर का नाम है सर्वर आएगा यहाँ पे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सर्वर को बाइंड करते हैं, सर्वर लिया था यहाँ पे हमने, जो क्लाइंट है उसे भेजेंगे। तो एज रेफरेंस क्लाइंट को भेज रहे हैं तो क्लाइंट में वो डेटा फिल करके वापस भेजेगा, तो यहाँ पे हम क्लाइंट को भेजेंगे। और जो लास्ट आर्गुमेंट है इसका वो जो लेंथ है उसे एज ए रेफरेंस भेजेंगे। सॉक ADDR इन का जो लेंथ थी हमने लेंथ वेरिएबल में कैलकुलेट करी थी, स्टोर कराई थी, उसे उसका रेफरेंस भेजेंगे। और अगर ये चीज़ -1 के इक्वल होती है, मतलब कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे हम फिर एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे अगर ये -1 रिटर्न करता है तो, कांट एक्सेप्ट, और यहाँ से भी रिटर्न 0। और एक बार हमारा क्लाइंट जो क्लाइंट है वो लिसन कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा जो लिसनिंग सॉकेट है उसे हम क्लोज़ कर देंगे सिंपल क्लोज फंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पे वाइल लूप के अंदर हम अब मैसेज रिसीव और सेंड कर सकते हैं। तो एक मैं वाइल लूप चला देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें कंट्रोल जेड दबाना होगा टर्मिनल पे, और इसके अंदर वाइल लूप के अंदर वाइल लूप के अंदर जाने से पहले पहले मैं बाहर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। पहले तो एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करूँगा जो कि हमारी बफर होगी, उसका साइज़ मैं दे देता हूँ 4096, और एक स्ट्रिंग होगी मैसेज, इसमें हम मैसेज स्टोर कराएंगे। तो अब हमें अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वेट करना होगा क्लाइंट का, वेट फॉर क्लाइंट टू सेंड द मैसेज, जब तक क्लाइंट मैसेज सेंड नहीं कर देता। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पहले मेम सेट का यूज़ करेंगे जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था, तो ये हमारी बफर जो हमने कैरेक्टर एरे बनाई है उसको 0 से इनिशियलाइज करने के लिए, 4096 साइज है इसका, कॉमा 0 से इनिशियलाइज करना है हमें। तो इसमें बफर एरे में सारे एलिमेंट्स को 0 सेट कर देगा ये। और उसके बाद फिर हम रिसीव फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो क्लाइंट हमें कनेक्शन के बाद जो मैसेज भेजेगा उसको रिसीव करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा क्लाइंट सॉकेट, और दूसरा इसमें जो आर्गुमेंट है वो बफर होगा जो हमने क्रिएट किया है अभी, और उसके बाद साइज बफर का, और लास्ट इसमें एक फ्लैग होता है जो 0 दे रहे हैं, और ये एक इंटीजर रिटर्न करता है कितने हमने बाइट्स रिसीव किए। तो मैं इसको एक स्टोर करा लेता हूँ, इंट बाइट्स रिसीव्ड इक्वल टू, तो यहाँ पे बाइट रिसीव जो भी होगी वो स्टोर हो जाएंगी। और ये जो बाइट रिसीव्ड है, ये रिसीव फंक्शन है, ये -1 रिटर्न करता है अगर कोई एरर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो, और 0 रिटर्न करता है अगर जो हमारा क्लाइंट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में हम आगे काम करेंगे। तो इफ़ बाइट्स रिसीव्ड इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो मैसेज है वापस क्लाइंट को हम शो कर देंगे, प्रिंट बैक द मैसेज टू द क्लाइंट, ताकि हम पता चल जाएगी हमारा जो सर्वर है वो ठीक चल रहा है। और यहाँ पे हम वापस सेंड मैसेज का यूज़ करेंगे वापस उसे मैसेज सेंड करने के लिए। तो इसके अंदर पहला आर्गुमेंट क्लाइंट सॉकेट, दूसरा आर्गुमेंट बफर, इसमें कि जो उसने क्लाइंट ने मैसेज भेजा है वो स्टोर्ड है, हमें वापस वही मैसेज भेजना है इसलिए हम बफर भेज रहे हैं।
और यहाँ पे जो अपने बाइट्स रिसीव किए होंगे प्लस वन। अब यहाँ पे प्लस वन इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि ये बफर एरे है, इसमें जैसे स्ट्रिंग्स में एंडिंग में टर्मिनेटिंग करेक्टर होता है वो नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसका साइज एक एक्स्ट्रा भेजना पड़ रहा है प्लस वन। उसके बाद में भी फ्लैग जो कि ज़ीरो हम भेज रहे हैं, और यहाँ पे भी जैसे बाइट रिसीव रिसीव फंक्शन कितने बाइट रिसीव किए हमने वो रिटर्न करता है, वैसे ये सेंड फंक्शन सेंड नहीं सॉरी सेंड सेंड फंक्शन कितने बाइट सेंड भेजे हमने वो रिटर्न करता है। तो सेंट में हम उसे स्टोर करा लेते हैं सेंट वेरिएबल में, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कितने बाइट भेजे हैं हमने, तो सेंट जो हमने सेंट वेरिएबल में स्टोर होगा हुआ होगा हमारा कितने क्लाइंट क्लाइंट को हमने कितने बाइट्स सेंड किए, और क्लाइंट का आईपी एड्रेस जानने के लिए हम ये आईनेट अंडरस्कोर एन टू ए फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा क्लाइंट जो सॉक ए डी डी आर इन टाइप का ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमारे क्लाइंट में उसका आईपी एड्रेस सिन अंडरस्कोर ए डी डी आर में स्टोर्ड है उसे हमें कन्वर्ट करके आईपी एड्रेस का शो करेगा। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा, और फाइनली लास्ट में जो हमारा सॉकेट है उसे हमें क्लोज़ करना है। यहाँ पे क्लोज़ जो हमारा क्लाइंट सॉकेट है उसे हम क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि लिसनिंग सॉकेट को हमने ऊपर क्लोज़ कर दिया है, हमारा क्लाइंट सॉकेट ही है अभी जो ओपन है उसे हम क्लोज़ कर देंगे। तो हमारा प्रोग्राम बन गया है, चलिए अभी से कंपाइल करके देखते हैं कि कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे जी प्लस प्लस और हमारे प्रोग्राम फाइल का नाम है TCP अंडरस्कोर सर्वर डॉट CPP ओ TCP अंडरस्कोर सर्वर। यहाँ पे हाँ यहाँ पे दो बार हिंट आ गया है, दोबारा कंपाइल करते हैं एक बार। 72 लाइन पे क्लाइंट सॉकेट हमें क्लोज करना है। क्लाइंट तो हमारा सॉक ADDR इन टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्लोज नहीं करेंगे, क्लाइंट सॉकेट को क्लोज करेंगे। दोबारा कंपाइल करता हूँ मैं इसे, हाँ ये कंपाइल हो गया है, चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सर्वर को रन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल खोलता हूँ, अब इसके अंदर मैं पहले देखता हूँ कि मेरा जो पोर्ट है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं नेट स्टैट माइनस ATP ये टाइप करूँगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा पोर्ट है 54,000 वो लिसन कर रहा है। चलिए अब ज़रा एक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टेलनेट लोकल होस्ट और हमारा पोर्ट है 54,000 जिसमें हमने अपना सर्वर बनाया है, तो उस पर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ साइड बाय साइड दोनों खोल लेता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे मैं अब सपोज़ यहाँ पे मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, यहाँ पे मैं एज अ क्लाइंट कनेक्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई मैसेज भेजता हूँ अगर सपोज विवेक, तो एंटर दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पे वापस जो मैंने इसको मैसेज भेजा यहाँ पे बता रहा है कि 8 bytes ऑफ जैसे मैंने यहाँ से विवेक भेजा क्लाइंट एज अ क्लाइंट और ये सर्वर ने रिसीव किया, फिर उसी मैसेज को वापस इसने मुझे भेजा और यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर हिंदी शिक्षा ये सेंड करता हूँ, देखिए वापस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सर्वर जो है TCP सर्वर वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो TCP सर्वर किस तरह बनाते हैं और जो आपको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन का बेसिक्स बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम
टीसीपी क्लाइंट बनाएंगे, और यहाँ पे जो मैं काम टेलनेट का यूज़ करके कर रहा हूँ वहाँ पे हम क्लाइंट का यूज़ करके क्लाइंट से भेजेंगे मैसेज और रिसीव करेंगे सर्वर से जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, धन्यवाद।